नवरात्रि के दिनों को पूजा पाठ की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माने जाने वाले विजयदशमी के दिन को भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस साल विजयदशमी का त्योहार 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय हासिल की थी। मान्यता ये भी है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। शक्ति और भक्ति के इस महापर्व पर जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पूजा से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि दशहरे के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। दशहरे के दिन क्या करना चाहिए? अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आपको दशहरे के दिन पूरे श्रद्धा भाव से श्री रामचरित मानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। विजयदशमी के दिन भगवान शिव का स्वरूप माने जाने वाले नीलकंठ का दर्शन करना चाहिए। ये अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे में अगर संभव ना हो तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन जरूर करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन गुप्त दान करना चाहिए। इससे जीवन में काफी लाभ होता है। अगर आपके कुंडली पर शनि का छाया है तो ऐसे में आपको विजयदशमी के दिन शमी के पौधे का पूजन करना चाहिए। इससे आपके कुंडली से शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। दशहरे के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका कल्याण होता है। वहीं चलिए अब आपको बताते हैं कि दशहरे के दिन क्या नहीं करना चाहिए। विजयदशमी के दिन भूल कर भी कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन कोई बुरा कार्य करते हैं तो इसका असर आपके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। दशहरे के दिन किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हम बुराई की श्रेणी में आ जाते हैं और हमें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इस दिन हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वयं को पाप का भागीदार बनाते हैं। विजयदशमी के पर्व के दिन आपको किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से आपको कष्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना ये दिन आपके लिए कई मायनों में अशुभ साबित होता है। तो आप भी विजयदशमी के दिन इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।